बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। वैसे तो भिंडी की सब्जी सबके घर में बनती है, पर आज मैं बनाऊंगी कुछ अलग तरीके से जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम भिंडी को अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ के सूखी कर दी है। एक कैप्सिकम लिया है और एक टमाटर लिया है। अब हम भिंडी के दोनों एंड्स को काट के हटा देंगे और बीच में से एक हाफ कट करके चेक कर लेंगे कि भिंडी अंदर से कहीं खराब तो नहीं है ना। अब इसे हम आधे इंच में गोल गोल काट लेंगे। इस तरह सारी भिंडी काट के तैयार करेंगे और कैप्सिकम और टमाटर को भी काट लेंगे। अब हमने भिंडी, कैप्सिकम और टमाटर को काट के तैयार कर दिए हैं। कैप्सिकम को थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद 10 से 15 मेथी के दाने, आधी टीस्पून राई, आधी टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब राई को चटकने देंगे। राई चटकने के बाद आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब कटे हुए कैप्सिकम डाल देंगे। इस तरह टमाटर और कैप्सिकम को ऑयल में फ्राई करने से टमाटर और कैप्सिकम का पानी सूख जाता है और सब्जी ड्राई बनती है। अब कैप्सिकम और टमाटर दोनों फ्राई होने के बाद कटी हुई भिंडी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे मिक्स करके पकने देंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए भिंडी को ढक के पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस ढक के रखने से भिंडी ज़्यादा पक के गल जाएगी और सब्जी भी चिकनी हो जाएगी। अब इस तरह बीच बीच में ढक्कन खोल देंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। इससे भिंडी चिकनी नहीं पड़ेगी और चिकनापन होगा वह भी निकल जाएगा। अब 4 से 5 मिनट में भिंडी आधी पक गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून सिंगदाना पाउडर डाल के सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट खुली पकने देंगे। इससे सब्जी ड्राई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि भिंडी का चिकनापन बिल्कुल निकल चुका है और ड्राई होके ऑयल भी छूटने लगा है। अब हमारी भिंडी की सब्जी 10 से 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे और एक सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। अब हमारी भिंडी, कैप्सिकम और टमाटर की सब्जी बन के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसे आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आपके घर मेरे बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। आपको ये सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।